पंचकुला के सेक्टर 8 मार्केट में स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर शॉप पर तीन लुटेरों ने लूट की कोशिश करते हुए ज्वेलर संदीप वर्मा पर चाकुओं से हमला कर दिया। पीड़ित संदीप वर्मा ने लुटेरों के से मुकाबला करते हुए उन्हें भगा दिया और लूट की वारदात को कहीं न कहीं नाकाम भी कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देने आए तीन आरोपियों में से एक आरोपी के पास पिस्टल और दो के पास चाकू बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता घायल संदीप वर्मा का हालचाल जानने पहुंचे और उन्होंने डीसीपी पंचकुला को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश तक दिए। साथ ही सभी ज्वेलर को आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस लेना चाहिए, इसे उपलब्ध कराने की बात कही। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप वर्मा है जी। क्या बात हुई थी जिस पर? मेरे पास तीन लड़के आ गए थे जी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। तो कैसे लूट करी थी, कितने लोग थे और क्या बोलते लिख रहे थे? नहीं, तीन लोगों ने एंटर किया है जी। उसमें एक के हाथ में तो पिस्तौल थी जी, एक के हाथ में वो किचन वाला नाइफ था जी। तो उन्होंने तो अंदर आते ही बस मेरे को ये बोला है कि अपना भाई आवाज़ नहीं निकालनी, आप बैठे रहो। तो मैं तो इंटेंशन समझ गया था उनकी। तो एक बार तो उन्होंने मेरे को धक्का भी दिया, मैं चलो अंदर थोड़ा गिरा। उसके बाद मैंने संभल के बाहर निकल के अपना शीशा खोलने की कोशिश की अपना बाहर निकलने। जब मैंने बाहर दरवाज़ा खोल के अपना आवाज़ें लगाई तो अपना फिर वो डर के भाग लिए बाहर की तरफ। इस दौरान बस वो हाथापाई में एक के हाथ में जो किचन नाइफ था वो मेरे सिर में लगा है, तो उससे थोड़ी इंजरी हुई है। कुछ लूट कर भी गए? नहीं, लूट के कुछ नहीं लेके गए जी। तो आपके सर क्या मारा था सर? हाँ जी, आपके सर पे क्या मारा था? मेरे सर पे ये किचन वाला नाइफ लगा हुआ है जी, जो लड़के के हाथ में था ना। देखिए, एक बहुत दुखद घटना मैं कहूँगा कि आज सेक्टर 8 की मार्केट में हमारे जूलर भाई के ऊपर जो असामाजिक तत्व क्रिमिनल्स हैं उन्होंने लूटपाट की दृष्टि से शॉप के अंदर बढ़ कर के लूटने का प्रयास किया। और मैं उस अपने भाई को, दुकानदार को, इसका नाम है संदीप वर्मा, दाई देता हूँ कि उसने तीन लोगों का मुकाबला अकेले ने किया और उनके पास एक के पास पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, दोनों के पास दूसरों के पास चाकू थे। ऐसे तीन लोगों का मुकाबला करते हुए और उन तीन लोगों को भगाया वहाँ से। जाते जाते उन्होंने सिर के ऊपर वार किया, उसके कई जगह चोटें आई हैं। मैंने हमारे CMO मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है। और मैंने DCP से बात की और DCP को कहा है और उन्होंने तीन टीमें जो हैं लगा दी हैं उनको पकड़ने के लिए। लगभग मुझे लगता है कि DCP ने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे। और इसके अलावा एक बात मैंने और DCP से कही है कि जितने हमारे ज्वेलर भाई हैं उन ज्वेलर्स को आर्म्स लाइसेंस, जो जो भी लेना चाहता है उनको आर्म्स लाइसेंस जरूर दिए जाए ताकि वो दुकान के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो इसका कभी भी इस्तेमाल करें। मैं तो समझता हूँ, भगवान का शुक्र करता हूँ कि ऐसे ब्रेव दुकानदार भाई हैं संदीप वर्मा, उन्होंने इन लोगों का मुकाबला किया, उनको वहाँ से भगाया। तो मैं कामना करता हूँ कि जल्दी